नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल नंबर थ्री रिजर्व एंड सरप्लस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट लिख देना उसके आगे ब्रैकेट में डी आर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पॉइंट मुझे याद नहीं बेटा कौन कौन से पॉइंट डेबिट के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगला पॉइंट आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिवेल्युएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हेडिंग डालो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो From is equal to minus from FROM हमने कहां तक लिखवा दिया था फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना अभी स्क्रीन पे नहीं आएगा थोड़ी देर में आ जाएगा और ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना बाद में माइनस करना पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो पहले फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस करना हो क्या होता है मल्टीप्लाई फिर माइनस ऑफ फ्रॉम का मतलब होता है माइनस और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई अच्छा तुम लोगों में से कितने के पास अभी मोबाइल है एक दो तीन चार ठीक है गुंजिता अभी के लिए थोड़ी देर के लिए क्लास खोल लो फिर क्या कहते हैं
लो वाईफाई दे रहा हूँ, तुम भी खोल लो, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। भाई पासवर्ड चेंज कर दूंगा सारा तेरे का। ये चलो बेटा क्लास क्लास में सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ दिखाई दे रही है क्लास में, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। नहीं बेटा तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, जो यहाँ पे है उन्हीं से। आवाज मत करना, आवाज मत खोलना, सब लोग मीटिंग ऑडियो ऑफ करना, मीटिंग ऑडियो म्यूट भी नहीं ऑफ करना, डिस्कनेक्ट। ओए उसको एक मोबाइल दो, अभिषेक को। अब तू किसे कर रहा है? उसको अभिषेक को बिल्कुल अलग मोबाइल दे दे। बेटा किसी का वो खुला हुआ है माइक, म्यूट कर दो। ठीक है देखो बेटा सुनो, एक बार में काम कर लिया करो, शांति से काम किया करो, वरना भेरंट मारूंगा। ठीक है, अभी कोचिंग चालू नहीं हुई है अभी, ठीक है ना? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस कर दिया भैया, ले भाई। अरे वो ऑन है। हेलो, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। ठीक है पढ़ते हैं बेटा, फ्रॉम का मतलब मैंने बताया माइनस, और ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई फिर माइनस। तो अब क्या होता है कि ये ए और बी पार्टनर होते हैं, ए बी सी पार्टनर होते हैं, ए बी सी, इसको 3:2:1 मिल रहा होता है। अब सी के ना नक्शे बन जाते हैं कि भाई मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। हेलो आवाज कम आ रही है बच्चों? सही आ रही है। अब सी के ना थोड़े से ओह अभिषेक तो कुछ नहीं कर रहा, पर अगर ये यश और तुमने दोनों ने किया, मैं सच्ची में बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। ए बी सी पार्टनर है 3:2:1 में थी। अब इनके बीच में ना मन मटाप होने लगे कि भैया मुझे ज्यादा मिल रहा है, तुझे ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तुझे कम मिल रहा है। अब इसमें क्या कहा कि भैया चलो हम ज्यादा कम को छोड़ते हैं, न्यू रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे न्यू रेशियो नहीं निकाले अभी, पहले कुछ और निकाल के देखते हैं कि क्या निकाले कि पहले हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बताओ क्या होता है। तो मैंने कहा चलो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को हम समझा। ए और बी और सी ने बोला कि भाई हम हमारा रेशियो क्या है, सी के मुंह बन गए, सी ने बोला कि नहीं अब ये नहीं रहेगा, अब रहेगा ए बी सी का क्या रहेगा रेशो। तो ये जो पुराना वाला था इसको तो बोलते हैं ओल्ड रेशो, न्यू वाला का न्यू रेशो, न्यू रेशो। अब इस प्रक्रिया में किसी ने कुछ चीज गवाई होगी और किसी ने कुछ चीज पाई होगी, ज्यादा ऐसे ही होता है ना। तीन जनों को अगर सपोज करो, मैं बोलता हूँ कि तीन जने क्या कहते हैं, किसी को 40 मिल रहा था, किसी को 40 मिल रहा था, किसी को 20 मिला। अब सबने बोल दिया कि भाई सबको 33 मिलना चाहिए, तो इसने कुछ गवाया, इसने कुछ गवाया और इसने कुछ, तो इसी को बोलते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला केवल एक ही है, चाहे स्कूल में 2 सिखाए, पर यहाँ पे एक ही सीखोगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, इनको जीआर और एसआर बोलते हैं। एसआर मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जीआर मतलब गेनिंग रेशियो। अपनी स्क्रीन को पलट लिया करो, उसको पोर्ट्रेट मोड पे रखा करो, उधर से रखो उसको खोल के रखो, तो सही से जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और
गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया गया कि भाई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का एक ही फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर। तब कैसे पता लगेगा गेनिंग और सैक्रिफाइस? अगर प्लस में आया तो गेनिंग रेशियो है, सॉरी अगर माइनस में आया तो गेनिंग रेशियो है आंसर, और अगर प्लस में आया तो सैक्रिफाइसिंग। समझ में आ गया? इतनी बात तो लिख लो पहले, पहले ये था लिख रहा है भाई तूने, तेरी कॉपी तो मेरे को कुछ और सी दिख रही है। ये कौन सी कॉपी तेरे पे? पेंसिल क्यों है तेरे पास? कहाँ गया पेंसिल? कैसे खो गया? सामने किसका पेन लगाई? तेरा टर्बो बना दूंगा मैं, टर्बो। चलो ट्राई करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। करू बेटा? लिख लिया? लिख लिया अभिषेक? ए बी सी पार्टनर थे 2:2:1 में, सी ने बोला कि भाई न्यू रेशियो होने चाहिए कुछ और, क्या होने चाहिए? 3:2:1। फाइंड आउट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए बी सी का ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो ये है। पहले निकाल के दिखाओ कि तुम्हारे को थोड़ी बहुत मेहनत आती है, नहीं आती? नहीं आती तो फिर हम कराएंगे ही करेंगे। हाँ लो, तो माइनस करने के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है। 5 से 2 गए तो 3 बचते हैं, तो उसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए तेरे को है? पैसा बर्बाद। ट्वेल्थ क्लास 11th क्लास को कॉल कर ले। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अब अपना वो बंद कर सकते हो, क्लासेस छोड़ो। तो
का रेशो, ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो 3:2:1 तो न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो क्या था 2:2:1 यहाँ दिया हुआ है। अरे बापरे खतरनाक पेन था, ठीक है ना, चालू करते हैं। न्यू रेशो कितना है 3/6, एलसीएम लिया 30 आया, 12 आया यहाँ पे और 15 माइनस 3/30। बेटा इसको माइनस मत करना, इतना ही छोड़ देना। बेटा जशन ये करना आ गया तेरे को, कैसे करा मैंने, ये 12 कैसे आया, ये 15 कैसे आया, जिसको भी अगर ये ना आता हो 12 कैसे आया 15 कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा। सबको कर, सबको कर। ये 12 और 15 कैसे आया बता, जशन कैसे आया 12 15। अब समझो ये कैसे आया, मुझे पता था, 8वीं क्लास की चीज है ये। देख 30 की टेबल, वो 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो अब इसका आंसर पता कैसे आएगा। सिक्स की टेबल में 30 कितनी टाइम आता है, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेगा तो 12 में से 15 गए तो कितने बचे, माइनस 3। आगे समझ में, अगला तू करके दिखाएगा मेरे को इसी तरीके से। ये गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग है, माइनस में आया, ये बता आंसर। गेनिंग बी का रेशो, ओल्ड रेशो 2/5 था, न्यू रेशो 2/6। अब बता क्या करूं, बता थर्टी लिख दिया मैंने, कितना आया आंसर 2/30 जी। काटो मत अभी, जरूरत नहीं है, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं। 1/5 माइनस 1/6 यश बताइए कैसे होगा, छोटा यश बता, मैं करके बता मुझे, कर तो लिया क्या 1/30। अब क्या लिखू 30, अब बता तो देते बेटा 6 कैसे आया, हाँ नहीं बेटा हंसने वाली बात नहीं है, हो जाती है गलतियां कभी कभार, आई छो तुमको आएगा, ठीक है हाँ बेटा काम कर रहा, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया होगी जूम क्लासेस। हाँ भैया। आर यू विद मी? हाँ भैया। अब नया चालू करते हैं इसके अंदर, सनी बेटा अभी 20 का पेमेंट किसी का भी मत कर, जो भी कॉलिंग कर या फिर उसको लीव उसमें ऐप में मत कर, अभी ऐप में मत कर, बाद में करियो, सारा ये बच्चे पढ़ रहे हैं, रेट लगाएंगे कितना कितना फीस आ गया। चलो अब हम चलते हैं एक और नई राह पे, उस राह का क्या नाम है पढ़ते हैं कि भाई ए बी सी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ए का रेशो था 3 और बी का रेशो था 2 और सी का रेशो था 1। अब सी ने बोला कि भाई सी विल
टेक वन थर्ड फ्रॉम ए, सी विल टेक वन फोर्थ फ्रॉम बी. अब शब्द क्या रहेगा यहाँ पे? फ्रॉम, फ्रॉम का वाला था माइनस. अभी ऊपर तो मैंने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आपको निकालना सिखा दिया, अब जो मैं सिखा रहा हूँ आपको निकाल रहा हूँ एनपीआर निकालना. एनपीआर मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो. जो ये ऊपर दे रखा था ना ये वाला रेशियो, ये जो दे रखा होता था न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो, ये निकालना सिखा रहा हूँ. क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको? जो न्यू रेशियो निकालना. अब न्यू रेशियो कैसे होता है, पहले ये देखो एबीसी पार्टनर थे, थ्री रेशियो टू रेशियो वन में दे. सी को क्या बोला कि नहीं नहीं मुझे ना वन थर्ड किससे चाहिए? ए से. और वन थर्ड वन फोर्थ किससे चाहिए? बी से. भैया ने एक चीज बोला फ्रॉम का मतलब माइनस, फ्रॉम का मतलब माइनस. तो ए सी एक्वायर, सी किससे एक्वायर कर रहा है? फ्रॉम ए. तो ए के पास था कितना? सिक्स था, नहीं था? अरे थ्री ओपन सिक्स था ना, उसके पास था कितना? अरे मेरे को दस रोटी, मेरे पास मेरे को दो रोटी चाहिए, मेरे पास दस रोटी है तो क्या करोगे? दस में से दो रोटी माइनस करोगे ना, कितनी बची मेरे पास? तो ए के पास कितनी कितना था? थ्री अपॉन सिक्स माइनस अठारह एलसीएम आया. सिक्स थ्री जा एटीन, थ्री का मल्टीप्लाई नाइन सिक्स. बेटा अब ये देखना, बेटा बात समझना, पहले बात समझना बच्चा. मेरे पास ये था, ए के पास ये था, ए ने ये दे दिया, तो ये जो बचा है वो क्या है? ए का बचा हुआ रेशियो. ए का रेशियो कितना हुआ? ए का बचा. बेटा सपोज करो अगर मेरे पास 100 चॉकलेट थी, 10 चॉकलेट मैंने दे दी, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? 9. तो यही तो था, ये तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो. समझ में आ गया? समझ में आ गया? 6 3 18 होता है. Yes, LCM, yes. और भी कम कर सकते हो एलसीएम, एलसीएम इसको 6 भी ले सकते थे, तो फिर मैं जब उसको काटूंगा तो और छोटा हो जाएगा. अभी देख तेरा आंसर ये आ रहा होगा जी. अब सी ने किससे एक्वायर किया? बी से. बी से. बी के पास कितना था चॉकलेट? उसने लिया कितना बी ने? वन अपॉन टू. कॉमन ले लो, जो दोनों के टेबल में आता वो ले लो, ठीक है ना. 6 4 8 यही है, ठीक है ना. मैं ऊपर वाले का आंसर क्या कर रही हूँ, ठीक है. अब देखो ए के पास कितना बचा? सॉरी ए के पास नहीं, अभी तो पहले रुक जाओ. सी के पास पहले कितना था? वन था, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स ही ना, ठीक है. सी को कितना कितना मिला? ए से मिला 1/3 और बी से मिला, तो 1/3 को प्लस करो और 1/4 को प्लस करो. एलसीएम इसका कुछ भी ले लो, 24 लेना चाहो 24 ले लो, ऊपर क्या लिया था 24 ले लो, 12 ले लो, एलसीएम एक ही बात है, 12 ले लिया. 2 4 3 9/12. अब इसको सॉल्व करते हैं ढंग से कि भाई ए के पास कितने बचे? 3/18. बी के पास कितना बचा? 2/24. और सी के पास कितना है? 3/18, 2/24, 9/12, 1/6
और नीचे कर दो इसको, वन अपॉन 1/12 और कर दो 4, तो 1/6, 1/12, 3/4. अभी 12 एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना होता है, डिनोमिनेटर सेम रखना होता है. तो जब हमने इसको किया 6 की टेबल में 12 कितनी है, 2, 2 का मल्टीप्लाई हमने किया 2, तो हमारा रेशो क्या होगा, 2:1:9, ये न्यू रेशो गया. बेटा समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से समझाता हूँ सारी. क्वेश्चन के हिसाब से समझो, मैंने फ्रॉम का मतलब क्या बताया था, फ्रॉम का मतलब माइनस. आपके पास कितना है पहले, 2, 1. मेरे पास एक रोटी है, मैंने एक दिव्यांश से दो रोटी ले ली और जसवंत से तीन रोटी ले ली, तो टोटल रोटी मेरे पास कितनी होंगी, 1+2+3, ठीक है ना, 1+2+3. हम चेक करते कि भाई हुआ क्या, सी ने कितना एक्वायर किया है ए से, 1/3. तो अब ए के पास कितना बचा होगा वो चेक करते हैं, 3/6 - 1/3. ए के पास कितना था, उसके पास चला कितना गया, ये कैसे बोलना लगा कि माइनस है क्योंकि फ्रॉम शब्द लिखा हुआ. तो अब उसके पास बचा कितना, 3/18. कितना बचा, 3/18. ये किसी को कोई दिक्कत, ये सी को मिला है और ये ए का रिमेनिंग है, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, ये सी को मिला है और ये ए का रिमेनिंग. समझ में आई बात, दोबारा से बी के साथ भी यही होगा, बी के पास था कितना, 1/4, सी को दे दिया हमने, तो कितना बचा, तो ये सी का बचा हुआ और ये बी का रिमेनिंग है. अब सी के पास था कितना, मैंने बोला कि मेरे पास कितनी रोटी थी, एक रोटी थी, मैंने दो दिव्यांश चली दो और तीन जशन चली, तो सब चीज प्लस हो गई. अब ये देखो ए कितना है, 1/6, 1/3, 1/4. ये अभी बता रहा हूं, मैंने बोला मेरे पास कितनी रोटी है पहले से, एक, तो सी पर कितनी रोटी थी पहले से, 1/60. उसको कितनी रोटी और मिल गई, 1/3 और 1/4. 1/3 कैसे आया था ये, अच्छा उसको सॉल्व करने के बाद आंसर किया तो हमारे पास कितना आ गया. अब हम तो हम सब में भाईचारा करना चाहते हैं तो इनको डिनोमिनेटर को सेम करते, डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं मैंने आपको करके दिखा. ये भाई पूरा सबको ले लो, एलसीएम सेम ले लो, एलसीएम सेम ले लो. जैसे 1/6, 1/12 और 3/4 में सबसे 6 की टेबल में 12 आता है, 12 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, तो 12 को क्या ले लिया मैंने, कॉमन. फिर मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया 2:1:9. खत्म हो गया, बात समझ में आई, बात आई अभिषेक, करके देखोगे क्वेश्चन, करके दिखाओगे, चलो करके दिखाओ. करके देखा, एक मिनट के लिए ना रस्सी लेके, रस्सी से पानी
ये दावा किया कि वो इंसान है जैसा बोलता भी है गाली देता भी इस प्रकार वहां लोग उसको पकड़कर उसी से बांध दिया और पशुपालन विभाग के हवाले कर दिया। कर लिया बच्चों? भैया थोड़ा सा बच्चा है। यो कह रहा तू करा ले, करने कर नहीं पाएगा भैया, चीटिंग कर रहा है अभिषेक के में से। अरे माइनस करना है बस सबको, और अब तो बी रेट है, बी बी को मिला है सब कुछ। 1/3 में से 1/8 माइनस करो, 1/3 में से 1/16 माइनस करो। जशन तू करेगा ये कुछ बात है? ये अब समझेगा तू, तभी तो कराऊंगा मैं, समझ जा। अभिषेक कर लिया? कराऊं बेटा, कराऊं बेटा, कराऊं बालकों, कराऊं? चेक भैया कराओ भैया। देखो क्या होता है, देखो बी को मिला है, बी एक्वायर फ्रॉम सी, सी के पास था कितना, ले कितना लिया उसने 1/8, उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम का मतलब माइनस। अब बेटा कैसे सॉल्व होगा बताओ क्वेश्चन, ठीक है? बी एक्वायर फ्रॉम ए, 1/3 था उसका भी, ए का 1/3, ये 24 कैसे आया बेटा बताता हूँ, ए कैसे आया, ये 24 है, 3 की टेबल में 24 कितनी टाइम होता है 8, और 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 8, ठीक है 16, 3 से मल्टीप्लाई 16 की टेबल में, ओ सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हुआ, 16 3 जा 48, हाँ क्षितिज, हाँ बेटा अभिषेक का नंबर है, उनको कॉल करो, समझ में आ गया?
नहीं आया ना, क्या नहीं आया ये बता, नहीं ये बता आया क्या नहीं इसमें समझ में, तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो अभी मना कर रहा था, क्या समझ में नहीं आया इसमें बेटा, माइनस किया है। देख थ्री की टेबल में 48 कितने टाइम जाता है, नहीं आता तो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा 1/8 कहाँ से आए ये बेटा, क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं है तुम्हें, कौन से नशे करता है सस्ते वाले, बी के पास कितना है, बी के पास पहले कितना था देख, 1 था, 1 मतलब 1/3, बी को मिला कितना है 1/8 और 1/16, क्या आया एलसीएम इसके लिए कॉमन 48, कितने कितने टाइम जाएगा 22/48। अब चेक करते हैं ए बी सी, ए के पास कितना है 5/24, 5/24 13/48 और 25/48, 48 एलसीएम। हाँ पीछे क्या नीचे करूं, अरे सॉरी 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 मेरी गलती हो गई, ए बी सी, हाँ ए का कितना है, ए का तो ये 5/24 है, उल्टा कर दिया मैंने, अच्छा 13/48 इसका इसका ये, और 5/24 13:25:24 की टेबल में 48 कितनी बार आया, 2 टाइम, तो निकल के कितना आया 13:25:10, नहीं आया समझ में। अब आखिरी क्वेश्चन करो इसको दोबारा से, ए बी सी 2:3:2 न्यू रेशियो, इन लोगों का 2:2:1 करके देखो, इसके बाद जा सकते हो। आ जाओ अभिषेक, देखो इनको, हाँ अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ 10 कौन सा ऊपर ही है, 24 का मल्टीप्लाई 48 में करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, इनको बता दे इनका नाम, मुझे नाम में नहीं पता कभी, तो ए बी सी 2:3:2 दैट्स इट। अब हम इसको आगे चालू करते हैं, बी एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए, बी एक्वायर 1/12 फ्रॉम सी, करके देखो। अच्छा मीन वाइल बच्चे कर रहे हैं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द टाइम कि 1 बजे हो जाए, चार बजे वाले टाइम से किसको दिक्कत है, हैंड रेस कर ले बस, 4 बजे वाले टाइम से, 4 बजे से क्या दिक्कत है, निशांत मानस शुभ हर्षित तुझे क्या दिक्कत है बेटा, भैया सुबह वाला टाइम सही है 1 से 3। हाँ भैया मैं गांव जाता हूँ तो दिक्कत होती है, क्या कह रहा है हर्षित तेरे को क्या दिक्कत है, मैं दिक्कत कोई नहीं है, टाइम वैसे 1 से 3 वाला सही है, मैं यूं कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बाकी सारी चीजें तो ठीक है, मुझे ये बताओ मैथ का ट्यूशन किस किस का है,
मैथ कितने लोग पढ़ते हैं, मैथ कितने लोग पढ़ते हैं, हैंड रेस करें, मैथ कितने लोग पढ़ते हैं? हरगुन वरगुन नहीं पढ़ रहा क्या? अच्छा ठीक है, इन चारों बच्चों में से मानस, शुभ, प्रखर, रितिका, तुम लोगों की मैथ की टाइमिंग क्या है? मेरे भैया सुबह 6 से 7 है। तो चलो, तो मैं मेरी, मेरी मानस की और अरुण की 4 से 5 है। और रितिका तुम्हारी लिख के बता दो बेटा, लिख के बता दो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ये लिख लिया तुम लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। भैया आपने 11th 12th में मैथ ही नहीं की? नहीं। चेक करो, बी एक्वायर, देखो सब लोग देखो, बी एक्वायर फ्रॉम ए, फ्रॉम ए का कितना था 2/7, 1/6 ले लिया, 63 या कितना था, 42 बी एक्वायर फ्रॉम सी, 2/7 माइनस 17 upon 84। V को मिला कितना है? 3/7 था, उसको मिला कितना? 1/6 or 1/12 कैल्सियम आ रहा है 84 12 36 42 टोटल मिला के 40 है इसका आंसर? 14 57/84 अब चेक करो ए बी सी, ए को कितना मिला, ए का कितना बचा? 5/1 बी का 17/84 और सी का 84 एलसीएम हो गया, 10 कैसे आया? 42 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 8 टाइम 84 2 टाइम ज्यादा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 10। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, क्लास की वो ले रहा हूँ अटेंडेंस, नहीं याद नहीं है बेटा, आज वो टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये मैथ के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अरे यार वो कर नहीं जा टीचर, इधर मुझे भी दिक्कत है। आकाश प्रेजेंट, अंश प्रेजेंट, अविरल चल बोल, दिशा, दिशा दिव्यांश, दुष्यंत प्रेजेंट, गगन पचौरी प्रेजेंट भैया, गुंजिता, अर्गुन, अर्गुन, हर्षित प्रेजेंट भैया, हनी प्रेजेंट भैया, जशन, जैती प्रेजेंट भैया, चौधरी साहब
प्रेजेंट भैया। कहाँ रहते हो भाई? भैया घर पे। हाँ मुझे लग ही रहा था ऐसे रिप्लाई आने वाले हैं। गली नंबर एक भी बोल देते और बोल देते कहते कौन सा घर है, सी बटा 314 मकान है, ये भी बोल देते बेटा। आशीष गुप्ता प्रेजेंट भैया। माधव वर्मा, मानस प्रेजेंट भैया, मनीष, मोहित प्रेजेंट भैया, मोहित प्रेजेंट भैया, मुस्कान प्रेजेंट भैया, निशान प्रेजेंट भैया, प्रसाद प्रेजेंट भैया, प्रेजेंट भैया, मित्तल साहब, रितिका मित्तल और कशिश मुझे 6 बजे करीबन कॉल करेंगी। साक्षी शर्मा यस भैया, शौर्य प्रताप शोक प्रेजेंट भैया, स्नेहा प्रेजेंट भैया, सुशील, तनिष्का प्रेजेंट भैया, पांडे प्रेजेंट भैया, दोनों आई हैं, यश, यश छोटा, अभी बता दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद होगी। गुड आफ्टरनून बेटा।